तो आप इजीली कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए टैंक या सिस्टर्न भी बोल सकते हैं उसको इन 15 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। मतलब पहली 15 मिनट में भरती है, दूसरी 18 मिनट में भरती है। व्हाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट्स। तीसरी पाइप जो वेस्ट पाइप या एम्प्टी पाइप है, लीक भी हो सकता है कोई, वो 6 मिनट में खाली कर देती है। टू पाइप्स ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 6 मिनट्स। दोनों को 6 मिनट खोले रखा गया, जो हमारी ए एंड बी फिल पाइप है उनको, इन द बिगिनिंग एंड द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। उस 6 मिनट के बाद ना थर्ड पाइप को भी खोल दिया गया, यानी कि शुरू के 6 मिनट तो टैंक भरता रहा होगा ना, खाली तो नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि शुरू के 6 मिनट तो ये भरने वाली पाइप भी थी। कौन सी? जो 15 मिनट में भरती है और जो 18 मिनट में भरती है। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, इन व्हाट टाइम द टैंक गेट्स एम्प्टी या सिस्टर्न गेट्स एम्प्टी। तो जो टैंक है, जब वेस्ट पाइप को खोला गया उसके बाद कितनी देर में खाली हो गया। तो हम कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे अप्रोच करिए। एक पाइप ए है जो कितनी देर में भरती है, 15 मिनट्स में, है ना। और एक पाइप बी है जो कितनी देर में भरती है, 18 मिनट। तो अगर आपको याद हो टाइम एंड वर्क में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ए 15 मिनट में, बी 18 मिनट में, और सी कितनी देर में खाली करती है, 6 मिनट। ये हमें दिया हुआ, ये पाइप्स मैंने बना दिया आपकी इंटरेस्टमेंटिंग के लिए। ना भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन कई बार पाइप्स देख के बच्चों को समझ आती है चीजें। तो मैं अलग से बना रहा हूँ, ए 15 मिनट में भरती है, बी 18 मिनट में भरती है, और सी कितनी देर में खाली करती है, 6 मिनट में खाली करती है। तो सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क में क्या होता है जी, टोटल जितने भी टाइम दे रखे हैं ना, इनका एलसीएम ले लो। वो एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क, और पाइप वाले चैप्टर में टैंक की कैपेसिटी एज्यूम करते हैं। आप एक्स यूनिट से भी कर सकते हो पूरा क्वेश्चन, आप वन यूनिट से भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। तो हमारे पास 15, 18 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आएगा, 90 यूनिट्स आएगा। तो आपने टैंक की कैपेसिटी कितने यूनिट मान ली, 90 यूनिट्स या 90 लीटर। यहां से लेके यहां तक खाली है, जहां पे इस लेवल से लेके कंप्लीट जब भरा हुआ है तो कैपेसिटी कितनी है, 90 यूनिट्स है। अब ए 15 मिनट में अगर 90 यूनिट भरेगी तो हर मिनट में कितना भरेगी, 6 यूनिट भरेगी, यस और नो। बी 18 मिनट में 90 यूनिट भरेगी तो हर मिनट में कितना भरेगी, बोलो 5 भरेगी। सी 6 मिनट में 90 यूनिट खाली कर सकती है, क्योंकि वो कौन सी पाइप है, एम्प्टी पाइप है। ठीक है, उसकी एम्प्टी करने की जो क्षमता है वो कितनी देर में खाली कर सकती है, 6 मिनट्स में। नहीं दिया हुआ है, ये रहा, व्हाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, है ना। तो 6 मिनट में पूरा खाली कर सकती है, तो हर मिनट में 15 यूनिट खाली करेगी। शुरू के 6 मिनट किन दो पाइप्स को खोला गया, ध्यान से पढ़िए, ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 6 मिनट्स। शुरू के 6 मिनट ए और बी को ही खोला गया, इन दोनों पाइप्स को। हर मिनट में कितना काम करते हैं, 6 और 5 11, तो 6 मिनट में कितना करेंगे, 11 × 6 66 यूनिट्स। ये हमारा हो गया 6 मिनट का काम। ठीक है, तो 6 मिनट में टैंक कहीं यहां तक भर जाएगा, एक आइडियली, मतलब टोटल 90 में से 66 भर गया। और जैसे ही 6 मिनट बीते, ए और बी को बंद नहीं किया गया, यूं मत सोचना ए और बी को बंद कर दिया गया, जैसे ही 6 मिनट बीते सी को भी खोल दिया गया। अब तीनों काम करेंगे, ये भी ये भी ये भी, अब तीनों काम करेंगे तो क्या होगा, ये अपना 6 भरेगी, ये अपना 5 भरेगी, 6 और 5 11, लेकिन साथ साथ ये 15 खाली करेगी। अब क्या होना शुरू हो गया, 6, 5, 11 से 15 के माइनस का 4, ये माइनस का 4 का मतलब क्या है कि अब माइनस का मतलब ये है कि अब टैंक खाली होना शुरू हो गया, और किस रेट पे, 4 यूनिट एक मिनट में, हर मिनट में 4 खाली करना कितना है, जितना अब तक भर चुके हैं,
अब तक कितना भर चुका है? 66। खाली करना कितना है? 66 ही खाली करना, जितना भर चुका है। और अब खाली होने वाला रेट क्या है? 4 यूनिट पर मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 66/4, 33/2, यानी कि 16.5 मिनट। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन पता है कहां पे होता है? कंफ्यूजन ये होता है वो शुरू के 6 मिनट भी इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि वो कहते हैं 22.5 मिनट आंसर होना चाहिए। नहीं, शुरू के 6 मिनट तो ए और बी फिल पाइप थी, शुरू के 6 मिनट तो टैंक भर रहा था, खाली होने का सवाल ही नहीं है। खाली कब होना स्टार्ट हुआ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खाली स्टार्ट हुआ उस 6 मिनट के बाद, 6 मिनट तक तो 66 मिनट भर चुका था। उस 6 मिनट के बाद जैसे ही सी को खोला, जो कि हर मिनट में 15 खाली करती है, तो 6, 5, 11 में से 15 गए, हर मिनट में 4 यूनिट पर मिनट के रेट से खाली होने लग गया। और खाली होगा कितना भाई? 90 थोड़ा ना खाली होगा, जितना अब तक भर चुका है उसी को फिर लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और हर मिनट में 4, 66 खाली करने के लिए 66/4, 33/2, 16.5 मिनट। आई होप आपको ये फंडा अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, तो आप भी वो गलती, कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं करके आओगे, वो 6 मिनट कहीं ऐड मत कर देना। ये गलती होती है बच्चों से, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत बार आता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज एंड बजाज कोचिंग सेंटर, इनको भी आप लाइक कर सकते हैं। और कुछ हमारे नंबर हैं 9034064864, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, इस पर आप अपने डाउट भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस नंबर से हम बच्चों को हर महीने जीके की स्लाइड्स भी भेज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।